Today we are going to start new units, the solid state. Today we will study about the introductory part and the difference in crystalline and amorphous solid, which will comes under the classification of solid state. Introduction. Solid state का introduction शायद सभी लोगों को मालूम है. All of you know that matter exists in three state, that is solid, liquid and gas. Starting में थोड़ा सा theoretical part है, सबको ये आता है पहले से, बस हम एक बार इसको देखेंगे समझने के लिए, है ना. Solid, liquid and gas. Generally matter can exist in three state, solid, liquid and gas, under a given set of condition. जब आपको कंडीशंस दी हुई होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, उसमें द स्टेट ऑफ मैटर विल डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फोर्स. स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ टू अपोजिंग फोर्स. टू अपोजिंग फोर्स. अब ये दो अपोजिंग फोर्स कौन से हैं? ये दो अपोजिंग फोर्स हैं, एक है आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स एंड अनदर वन इज थर्मल एनर्जी. देखो, इफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज मोर देन थर्मल एनर्जी द स्टेट विल बी सॉलिड. हाउ, कैसे? देखो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मतलब हो गया कि अगर ये पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में ये जो यहाँ गैप है, यहाँ ये कौन सा फोर्स लगेगा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स. अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो पार्टिकल्स कैसे रहेंगे? आपस में पास पास रहेंगे, ठीक है. थर्मल एनर्जी अगर ज़्यादा होती तो थर्मल एनर्जी यानी कि टेम्परेचर अगर आप दोगे तो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना. तो दूर जाएंगे तो ये लाइक ऐसे, तो आप सबको मालूम है कि अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से हो तो कौन सा स्टेट हो जाता है? गैस. और अगर थोड़ा सा और पास में होते तो हो जाता लिक्विड, लेकिन अगर इस तरह का अरेंजमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड. तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है थर्मल एनर्जी से तो स्टेट विल बी सॉलिड, लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स से थर्मल एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेट क्या होगी? गैस. तब कौन सी स्टेट बनेगी? गैस. तो लेकिन हमारा टॉपिक अभी इसके बारे में नहीं है, हमें ये नहीं पढ़ना है. हमें कौन सा पढ़ना है? सॉलिड स्टेट के बारे में. तो अगर टेम्परेचर लो हो तो अभी बोला था मैंने ऊपर कि अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस आपको दी होगी. तो जब टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी. तो थर्मल एनर्जी के डिक्रीज होते ही इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगी? इंक्रीज, एंड द स्टेट विल बी सॉलिड स्टेट. स्टेट कौन सी हो जाएगी आपकी? सॉलिड स्टेट. अब देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है. तो सॉलिड की प्रॉपर्टी में फर्स्ट डेफिनेट शेप होती है इसकी, साइज एंड वॉल्यूम. सेकंड, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्टेंस आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग. कैसे होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स? स्ट्रॉन्ग होते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस पूरे चैप्टर के अंदर ये वर्ड बार बार आने वाला है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. ये भी मैं बताऊँगी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मीनिंग. कैन ऑसिलेट about their mean position. इसका मतलब क्या है कि क्योंकि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इतना क्लोज होता है ना, उनके बीच में बहुत कम गैप होता है,
तो अगर ये पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के ऊपर मूव करना चाहे तो मूव करने के लिए जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, बट देयर इज़ नो स्पेस, दैट्स वाई अपनी मेन पोजीशन पर ये थोड़ा सा जो भी हल्का सा गैप है उसी के अंदर ये क्या करते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, ऑसिलेट होते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन से ऐसे, बस हल्का हल्का सा है ना। तो ये केवल ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी मेन पोजीशन से। सभी को मालूम है सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल का मतलब जब गैप ही नहीं है तो आप उनको प्रेस नहीं कर सकते, आप उनको दबा नहीं सकते है ना, एंड रिजिड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, रिजिड सॉलिड्स। सबको मालूम है कि रिजिड है, गैप नहीं है, तो डेंसिटी, डेंसिटी एक्चुअली क्या होती है, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, मास ज़्यादा है, वॉल्यूम यहाँ पर कम है, तो डेंसिटी इनकी कैसी होती है, हाई। तो डेंसिटी इज ग्रेटर देन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस से डेंसिटी ज़्यादा होती है। एंड सिक्स, डिफ्यूज़न इज वेरी स्लो, डिफ्यूज़न इज़ वेरी स्लो, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं या सॉलिड सब्सटेंस है वो डिफ्यूज़न को शो नहीं करता है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड को तो आपने अभी ज़मीन पे अगर पानी गिर जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो कर जाएगा, लेकिन कोई सॉलिड सब्सटेंस अगर ऐसे रखा हुआ है तो कभी वो ऐसे फ्लो करता हुआ आपने नहीं देखा होगा। गैसेज हैं वो भी डिफ्यूजन शो करती हैं। परफ्यूम है, आप एक कॉर्नर पर स्प्रे करते हो लेकिन दूसरे कॉर्नर पर तो आपको उसकी स्मेल आती है ना, तो डिफ्यूज़न गैसेस शो कर सकते हैं, लिक्विड शो कर सकते हैं, बट सॉलिड्स कैन नॉट शो डिफ्यूजन, है ना। अनदर ऑन हीटिंग, अगर आप सॉलिड को गर्म करते हो तो ऑन हीटिंग सॉलिड्स बिकम्स और चेंजेस इनटू लिक्विड। एंड इन 11th क्लास यू हैव रीड दैट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट, सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट इज नॉन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किया था 11th क्लास में, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, जो उस सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट दिखाता है, और मेल्टिंग पॉइंट जनरली उस सब्सटेंस की प्योरिटी को बताता है ना। अगर सब्सटेंस प्योर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प आएगा, और अगर सब्सटेंस इम्प्योर है तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं आएगा, डिफ्यूज जाएगा, यानी एक रेंज में आएगा। लेकिन अगर प्योर है वो सब्सटेंस तो वो उसका जो आपके पास जो पॉइंट आएगा टेम्परेचर का वो फिक्स आएगा एकदम, है ना। जैसे आप लोगों ने ऑक्जैलिक एसिड का बार बार एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आप 107, 110 आपने प्योर और इम्प्योर दोनों का निकाला था, तो सॉलिड सब्सटेंस जो है उसका आप मेल्टिंग पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो सॉलिड लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी सॉलिड के बारे में कि सॉलिड होता क्या है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत बार स्टडी की है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड स्टेट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉलिड स्टेट की। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड स्टेट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट के लिए ये नेक्स्ट वीडियो है, उसमें आप देखेंगे।